गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन ट्री इन्फोटेक। तो मैं हूँ आपकी साइंस की टीचर और आज हम जो कर रहे हैं वो है भौतिक विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान का जो है काफ़ी सारे टॉपिक जो हैं हो चुके हैं। कल हमने जो ख़त्म किया है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमने कल ख़त्म किया है। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स से, यानी कि भौतिक विज्ञान से। ठीक है, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड। ठीक है, लिक्विड के से रिलेटेड, यानी कि द्रव। ठीक है, द्रव से की कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ गुण जो हैं उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको पता है कि पदार्थ तीन तरह के होते हैं। ठीक है, एक तो ठोस पदार्थ हो गए, ठीक है, उसके बाद द्रव हो गए और उसके बाद गैस हो गई। ठीक है, तो ठोस के और द्रव के कुछ गुण होते हैं जो भौतिक विज्ञान के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, भौतिक विज्ञान में काम करते हैं, कुछ ऐसे गुण हैं, तो उन गुणों के बारे में, उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहले हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड यानी कि द्रव के गुण पढ़ेंगे और उसके बाद हम कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ठोस की पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो, लिक्विड सबसे पहले जो हमारी तरल चीज़ है यानी कि द्रव चीज़ है, पहले तो आपको पता होना चाहिए ये द्रव होता क्या है। तो आपको पता है जो तरल रूप में, जैसे कि हमारा पानी, ठीक है, उस रूप में जो चीज़ें होती हैं उन सबको द्रव बोलते हैं। ठीक है, द्रव के पास जो इनकी मेन डेफिनेशन आती है वो क्या आती है कि द्रव जो चीज़ें, जो द्रव हमारा एक पदार्थ है उसके पास कोई डेफिनेट शेप नहीं है। ठीक है, उसके पास कोई आकार नहीं है। ठीक है, प्रॉपर द्रव के पास कोई आकार नहीं है। आप उसको जिस भी बर्तन के अंदर डालोगे वो उसी आकार को ले लेती है। ठीक है, गिलास में डालोगे तो गिलास जैसी बन जाती है। ठीक है, डब्बे में डालोगे तो डब्बे वाला आकार ले लेगी। ठीक है, तो आप उसको कहीं भी, जहाँ भी आप उसको रखोगे वो उसका आकार ले लेती है। ठीक है, तो द्रव एक ऐसी चीज़ है जिसके पास अपना कोई आकार नहीं होता है, लेकिन इनके पास एक आयतन, फिक्स आयतन, फिक्स वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन इनका जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो क्या होता है, फिक्स है। अगर आपके पास एक लीटर पानी है तो आप उसको बॉटल में डालो, जग में डालो, गिलास में डालो, कहीं भी डालो, वो एक लीटर ही रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम आयतन वही रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा, वो कम ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात कि द्रव जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसके पास निश्चित आकार नहीं होता लेकिन निश्चित आयतन होता है। ठीक है, ये तो क्या द्रव की बात जिसके बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं। लेकिन द्रव के गुणों के बारे में पढ़ने से पहले हमको कुछ बल, दो बल जो हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर इन बलों की बात होगी। ठीक है, जब हम द्रव के गुणों के बारे में पढ़ेंगे तो साथ ही साथ हम जो हैं इन फोर्सेस के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इन फोर्सेस के बारे में पता होगा तो हम बहुत इजीली जो है अपना चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दो फोर्सेस जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कई बार इन फोर्सेस के बारे में पूछ भी लेते हैं। तो पहला फोर्स है जिसके बारे में हमें पता है, होना चाहिए, वो है ससंजक बल। ठीक है, ससंजक बल, या इंग्लिश में कहें तो कोहेसिव फोर्स। ठीक है, ससंजक बल या कोहेसिव फोर्स। अभी किस तरह का बल है, बल के बारे में तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। न्यूटन के जब चैप्टर हमने पढ़ा तो हमने बल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि बल क्या है, तो वही है, एक बल है, बल का एक प्रकार है। ठीक है, तो ससंजक बल क्या होते हैं, देखिए, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में जो बल होता है उसे कोहेसिव या ससंजक बल बोलते हैं। एक ही पदार्थ, आप इसको लिख लो कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच, अणुओं के बीच का आकर्षण बल। ठीक है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच का आकर्षण बल, मैं इसको समझाती हूँ क्या है ये।
मान लीजिए आपके पास जो है पानी है, ठीक है, पानी है। ठीक है, ये हो गए पानी के अणु, ठीक है, पानी के कण। सबसे पहले तो एक चीज समझ लीजिए, वैसे ये रसायन विज्ञान के अंदर ये टॉपिक आता है, ठीक है, ठोस, द्रव और गैस का, लेकिन एक चीज समझ लीजिए कि हम पदार्थ की बात कर रहे हैं, मैटर, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हर पदार्थ दुनिया में जितना भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलके बनाए, ठीक है। जब बहुत छोटे छोटे कण आपस में मिल जाते हैं तो वो एक पदार्थ को बनाते हैं, ठीक है। सॉलिड कोई चीज़ है, ठोस कोई चीज़ है, तो उसके अणु जो कण है वो आपस में आके मिले हैं तब जाके उन्होंने ठोस बनाया है। फिर लिक्विड जो द्रव है वो भी किससे बना है, अणुओं से बना है। फर्क क्या होता है, सिर्फ इनके अरेंजमेंट में, कि अरेंजमेंट कैसी है, ठीक है। जैसे ये हो गई ठोस, ठोस चीजें इस तरह से दिखती है, ठीक है। ठोस चीजें, जो भी ठोस चीजें होती है उनके जो कण हैं वो आपस में बिल्कुल एक दूसरे से चिपके होते हैं, सटे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो हैं, जो ठोस जो है, ठोस कोई पदार्थ है उसके कण कैसे होंगे, आपस में बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। जो द्रव होता है उसके कण थोड़े जो हैं दूर दूर होते हैं, ठीक है, इस तरह से। और जो गैस है वो होती है बहुत ज़्यादा फैली हुई, ऐसी, ये हो गई गैस, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि दुनिया में हर एक पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिल के बना है, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में होने वाला बल। अब देखो, ये कोई ठोस चीज़ है, ठीक है, ये कोई ठोस चीज़ है, तो इन ठोस चीज़ों के जो ये कण हैं इनमें भी आपस में आकर्षण बल है, ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींच के रखते हैं, तभी तो वो आपस में रहेंगे एक साथ। जो पदार्थ के जो ये कण हैं ये आपस में एक दूसरे को खींच के रखते हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे की तरफ आकर्षण बल जो है वो एक दूसरे के साथ रखते हैं। और इसी बल को, जिस बल से ये पदार्थ के जो अणु हैं, जो पदार्थ के कण हैं, जिस बल से ये एक दूसरे की तरफ खींच के रखते हैं, उसी बल को जो है हम कहते हैं ससंजक बल, ठीक है। तो ससंजक बल क्या हुआ, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये पानी है, ठीक है, पानी है, ये पानी है। अब इस पानी में जो क्या है, छोटे छोटे कण है जिससे ही मिलके बना है। अब ये कण जो है ना, ये आपस में, इनके बीच में भी एक बल है, ठीक है, और इस बल का नाम है कोहेसिव फोर्स, यानी कि ससंजक बल, ठीक है। तो ये एक ही पदार्थ था, मतलब कैसा पदार्थ था, ये द्रव। तो द्रव के अंदर जो अणु है उनके बीच में जो बल है उसे हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, ठीक है। सॉलिड में होगा, जो कोई चीज़ ठोस है, तो ठोस के जो ठोस पदार्थ के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होगा वो क्या होगा, ससंजक बल। कहने का मतलब है पदार्थ एक ही होना चाहिए और उस पदार्थ के अंदर जो कण है जिससे मिलके वो बना है उनके बीच में जो आकर्षण बल होगा उसको कहते हैं हम ससंजक बल, ठीक है। दूसरा आता है असंजक बल, यानी कि एडहेसिव फोर्स। अब देखिए, दो अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच रहने वाला आकर्षण बल जो है वो एडहेसिव फोर्स कहलाता है। अब देखिए, आप मान लीजिए आप पानी पीते हैं, गिलास में पीते हैं, ठीक है, आप जग से भी पी सकते हैं, बॉटल से भी पी सकते हैं, ठीक है। अब आप देखते हैं कि आपका ये गिलास जो है, ठीक है, आपके गिलास है, आपके गिलास के अंदर क्या है, पानी है, ठीक है। पानी किससे बना है, कण से मिलके बना है, ठीक है। अब पानी के कणों के बीच जो बल था, आकर्षण बल, वो तो क्या हो गया, ससंजक बल हो गया, ठीक है, कोहेसिव फोर्स हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि पानी के, जो पानी के हमारा
कण हैं उन्हीं के बीच में एक बल है? नहीं, जिस गिलास में आप इसको डाल रहे हो, जिस गिलास में आपने इसको डाला है, ठीक है, उसके भी तो कण है, उसके भी तो कण है। यहाँ पे गिलास भी तो, गिलास क्या है, गिलास एक ठोस चीज़ है, ठीक है, तो गिलास भी तो कुछ कणों से मिलके बना है, ठीक है, तो इसने भी तो इसको खींच के रखा है। पानी क्यों गिलास में चिपक जाता है? देखो, पानी हर चीज़ में जाके चिपकता है, पानी हर चीज़ में जाके चिपकता है, तभी पानी हर चीज़ को गीला करता है, ठीक है। अब अगर आप नहाते हो, ठीक है, आप नहाते कब हो? जब पानी आपकी बॉडी में आके चिपकेगा, आपका बॉडी को साफ करेगा, तो आप साफ हो जाते हो। आप बर्तन साफ कर रहे हो, पानी बर्तन में जाके चिपक रहा है, तभी तो बर्तन साफ हो रहा है, ठीक है। तो पानी की ये क्वालिटी है, ठीक है, पानी की ये क्वालिटी है कि पानी हर चीज़ में जाके चिपकता है, ठीक है। इसीलिए जब आप, और ऐसा नहीं है कि हर चीज़, हर द्रव चीज़ इसमें जाके चिपक जाती है। अगर आपको ने देखा होगा, एक मरकरी होता है, पारा, ठीक है, मरकरी, अगर आप मरकरी को अपने हाथ पे रखोगे ना और फिर ऐसे ऐसे हिलाओगे, आपका हाथ गीला नहीं होगा, क्योंकि मरकरी जो है वो हर चीज़ में नहीं चिपकता। मरकरी में ये क्वालिटी नहीं है दूसरों में चिपकने की, ठीक है। अभी बताऊंगी क्या बल है, यहीं पे वो बल आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है पानी हर चीज़ में जाके चिपकता है, ठीक है। तो देखो, गिलास, गिलास किसका बना है? गिलास किस चीज़ का बना था? ठोस। गिलास क्या है? ठोस चीज़ है ना एक, और आपका पानी क्या हो गया? द्रव, ठीक है। ठोस एक अलग पदार्थ है, द्रव एक अलग पदार्थ है, तो दो अलग अलग पदार्थ के कणों के बीच में होने वाला आकर्षण बल जो है वो एडहेसिव फोर्स यानी कि असंजक बल कहलाता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी एक बात है, ठीक है, ससंजक बल और असंजक बल की। ससंजक बल तो वो जो एक ही पदार्थ के कणों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स। लेकिन दो अलग अलग पदार्थ के कणों के बीच में लगने वाला बल वो क्या कहलाता है? असंजक बल, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि पानी में कौन सा बल ज़्यादा है, पानी में कौन सा बल ज़्यादा है, ससंजक बल ज़्यादा है कि असंजक बल ज़्यादा है, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि ससंजक बल क्या है और असंजक बल क्या है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि पानी में कौन सा बल है जो है वो ज़्यादा है, ससंजक बल ज़्यादा है या असंजक बल ज़्यादा है। तो अगर आपने अभी सुना है, मैंने अभी क्या कहा कि पानी के अंदर ये क्वालिटी होती है कि पानी हर चीज़ में जाके चिपकता है, ठीक है। आप कपड़े धो रहे हो तो कपड़े में चिपक के उसको साफ करेगा, पानी धोते हो तो पानी जो है आपके बर्तन में चिपकता है, फिर वो जो डर्ट है उसको अपने साथ लेके जो है साफ कर देता है, ठीक है। तो पानी की तो ये क्वालिटी है हर चीज़ में चिपकने की, इसका मतलब क्या है कि उसमें असंजक बल ज़्यादा है, ठीक है। फिर से सुनिए, ससंजक बल क्या था? एक ही पदार्थ के बीच के में होने वाला आकर्षण बल, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में होने वाला आकर्षण बल, ठीक है। ऐसा नहीं है पानी में ये बल नहीं है, पानी में दोनों बल है, ठीक है। पानी के, देखो, पानी तभी तो साथ में रहता है जब इसके जो कण हैं वो आपस में एक दूसरे को खींच के रखते हैं, ठीक है। इन्होंने चारों तरफ से एक दूसरे को खींच के रखा होता है, तभी तो पानी साथ रहता है, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि पानी में एक ही बल है, पानी में ससंजक और असंजक बल दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। पानी के कण आपस में ऐसे रहते हैं, चारों तरफ से एक दूसरे को खींच के रखते हैं, ठीक है। और वो बल जो एक ही पदार्थ के कणों को आपस में आकर्षित करके रखता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ससंजक बल। तो ऐसा नहीं है कि पानी में ये बल नहीं है, पानी के अंदर ससंजक बल है, ठीक है, लेकिन पानी के अंदर जो है असंजक बल जो है ज़्यादा है। पानी की ये क्वालिटी ज़्यादा है कि वो दूसरे में जाके जल्दी चिपकता है, ठीक है। जिस गिलास में इसको रखा होगा उसमें ये एकदम से जाके जो है उनके साथ जो है अपना
आकर्षण बल जो है वो दिखा शो करता है। तो इस तरह से जो है पानी हमारा किसी भी चीज़ में जाके जो है चिपक जाता है। तो इसको लिख लीजिए कि पानी के अंदर ससंजक बल और असंजक बल दोनों ही पाए जाते हैं, लेकिन पानी में असंजक बल जो है उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, अब बात करती हूँ पारे की, ठीक है, मरकरी की। ये तो वाटर की बात होगी, अब बात करते हैं मरकरी की। ठीक है, मैंने अभी आपको बोला मरकरी यानी कि पारा। अब पारे की ये क्वालिटी है ना, पारा किसी में जाके चिपकता नहीं है। अगर आप पारे को हाथ पे लेते हो और उसको ऐसे ऐसे हिलाओगे, ठीक है, फिर आपने पारे को कहीं और डाल दिया, आप देखोगे आपका हाथ जो है ना वो बिल्कुल कैसा होगा, सूखा होगा, ड्राई होगा। बल्कि अगर आप पानी को हाथ में लोगे तो हाथ क्या हो जाता है, गीला हो जाता है। ठीक है, अगर आप पानी को फर्श पे फैला दोगे तो फर्श गीला हो जाएगा, लेकिन अगर आप पारे को फर्श पे फैलाओगे ना, कुछ नहीं होगा। पारा आपस में ही ऐसे रहता है, ठीक है, आपस में ही वो इकट्ठा रहता है, वो किसी चीज़ के साथ जाके नहीं चिपकता। ठीक है, तो पारे के अंदर, क्योंकि पारे के अंदर ससंजक बल बहुत ज़्यादा है, पारा एक पदार्थ है, द्रव है। ठीक है, तो पारा जो है इसके जो कण है वो आपस में, उनके अंदर इतनी ज़्यादा ससंजक बल है कि वो दूसरे के साथ जाके चिपकता ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि पारे के अंदर कौन सा बल है, तो पारे के अंदर है ससंजक बल। ठीक है, पारे के अंदर कौन सा बल है, ससंजक बल। और पानी के अंदर कौन सा बल है, पानी के अंदर दोनों बल है। ठीक है, पानी आपस में भी जो है उसके कण आपस में भी आकर्षित रहते हैं, लेकिन पानी के अंदर असंजक बल जो है वो ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि पानी हर चीज़ में जाके चिपकता है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। आपने देखा होगा लकड़ी, ठीक है, लकड़ी होती है आपकी। अब मान लीजिए आपके पास, तो लकड़ी छोड़िए, मान लीजिए आपके पास दो पेपर है, ठीक है, दो कागज हैं आपके पास। ठीक है, आपने उन दोनों कागज को क्या करना है, आपस में चिपकाना है। ठीक है, आपके पास दो कागज थे, आपने इन दो कागजों को चिपकाना है। ठीक है, क्या ऐसे इनको साथ मिला देने से चिपक जाएंगे, नहीं। आपको क्या डालना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ भी डालना पड़ेगा, आपको यहाँ पे फेविकॉल डालना पड़ेगा, ठीक है, या कुछ भी फेविक्विक डालना पड़ेगा, कुछ भी ऐसी चीज़ आपको यहाँ डालनी पड़ेगी जो इसको चिपका दे। अब मुझे बताओ कि पेपर क्या है, पेपर कैसी चीज़ है, एक ठोस चीज़ है ना, पेपर क्या है, एक ठोस चीज़ है, ठोस में ही आएगी, सॉलिड है। ठीक है, और जो यहाँ पे आप फेविकॉल लगा रहे हो, जो भी आप लगा रहे हो, फेविकॉल लगा रहे हो या आप कुछ भी फेविक्विक लगा रहे हो, वो कैसा होता है, द्रव होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, तो जब आपने इस पेपर को इस दूसरे पेपर के साथ चिपकाया, ठीक है, आपने किससे चिपकाया, फेविकॉल से चिपकाया, तो अब यहाँ कौन सा बल है। देखो, पेपर और फेविकॉल दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग पदार्थ हैं, एक ठोस है, एक द्रव है, और दो अलग पदार्थों के बीच में लगने वाला बल कौन सा होता है, असंजक बल, असंजक बल। ठीक है, तो शायद आपको यहाँ से समझ आ गया हो कि ससंजक और असंजक बल में क्या फ़र्क है। ठीक है, इसको आप और भी चीज़ें देख सकते हो। अब जैसे कि अब यही देखिए, ये वाइट बोर्ड है, ठीक है, ये सामने वाइट बोर्ड है, ये क्या है, ठोस है, ये वाइट बोर्ड क्या है, ठोस है, ये वाइट बोर्ड क्या है, ठोस है, और ये जो मेरे पास मार्कर है ना, इस मार्कर में से जो इंक आ रही है वो कैसी है, लिक्विड है, मतलब कि द्रव है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे किस बल के कारण लिख पा रही हूँ, मैं इस वाइट बोर्ड में इस मार्कर से किस बल के कारण लिख पा रही हूँ, असंजक बल, क्योंकि इस वाइट बोर्ड और मार्कर के बीच में असंजक बल है, तभी मैं यहाँ लिख पा रही हूँ। ठीक है, ये इंक जो है जाके इस बोर्ड में चिपक रही है, तभी मैं लिख पा रही हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं आपसे। ठीक है, या तो आपसे पूछ लेंगे सीधा
कि ससंजक बल क्या है। तो ससंजक बल वो बल जो एक ही पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल होता है उसे ससंजक बल कहते हैं। या वो आपसे पूछ सकता है असंजक बल क्या है, तो दो अलग अलग जो है पदार्थों के कणों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल जो है वो क्या होता है, असंजक बल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पानी में कौन सा बल ज्यादा है। ठीक है, तो पानी में ससंजक और असंजक बल दोनों बल पाए जाते हैं, लेकिन पानी में ये क्वालिटी ज्यादा है कि वो हर चीज में जाके चिपक जाता है। ठीक है, तो दूसरी चीज में वो चिपकता है, तो पानी के अंदर असंजक बल जो है वो ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, पारे में कौन सा बल होता है। तो पारे के अंदर ससंजक बल यानी कि मरकरी के अंदर जो है वो ससंजक बल ज़्यादा होता है, क्योंकि जो पारा है वो किसी में भी जाके नहीं चिपकता है, वो आपस में ही जो है इकट्ठा रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाइट बोर्ड पे मार्कर से लिखने में कौन सा बल है। तो वहाँ कौन सा बल आ जाता है, एक ठोस है एक द्रव है, वहाँ आ गया असंजक बल। ठीक है, तो इसके और भी अब आप समझ सकते हो, जहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें आ जाएगी ना, ठोस द्रव, तो वहाँ कौन सा बल आ जाएगा, असंजक बल। और अगर एक ही पदार्थ की बात करें, ठोस और ठोस, द्रव और द्रव, वहाँ पे कौन सा बल आ जाएगा, ससंजक बल। ठीक है, तो ये दो बलों के बारे में जानना ज़रूरी था, क्योंकि आगे जो हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं ना वो इस बल पे ही डिपेंड होगी। ठीक है, तो ये तीन चार चीज़ें जो थी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि ये बल क्या है, बल कहाँ काम करता है और किस तरह करता है। ठीक है, तो बच्चों ये थे आज की दो फोर्सेस जिनके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, अब कल जो है हम अपनी पदार्थ के गुण, ठीक है, हम कल अपने सॉरी द्रव के गुण जो हैं उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कि क्या क्या गुण हैं जो हमारे द्रव के अंदर पाए जाते हैं, कल हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, आज जो हमने करना है वो है अगले 5 इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, अगले 5 इंस्ट्रूमेंट, 10 इंस्ट्रूमेंट मैं आपको ऑलरेडी लिखा चुकी हूँ, अगर आपने नहीं लिखा है तो प्लीज़ उसको लिख लीजिए। ठीक है, 10 ऑलरेडी हो चुके थे, अगले 5 आज लेके आई हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या क्या है। पहला है कैलोरीमीटर। ठीक है, क्या है, कैलोरीमीटर। ठीक है, अब देखिए 11वां और 12वां साथ में देखिए, ये है CO, CO, LO, और नीचे वाला है CALO, कैलोरीमीटर। ठीक है, एक है CA अलग है और CO अलग है। ठीक है, CO वाला कौन सा है, कलर। ठीक है, कलर आपको पता है कलर क्या होता है, रंग, तो उसी से रिलेटेड एक इंस्ट्रूमेंट है। बट ध्यान रखिए दोनों बोलने में भी एक जैसे हैं काफी और देखने में भी एक जैसे हैं। ठीक है, इसमें CO है, इसमें CA है। ठीक है, लेकिन दोनों ही अलग इंस्ट्रूमेंट है। जो ये वाला इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, कलरोमीटरी, ठीक है, कलरोमीटरी मतलब कलर, तो ये क्या है, रंग की तीव्रता की तुलना करता है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो रंग की तीव्रता की तुलना करता है, मेजर इंटेंसिटी, कंपेयर्स द इंटेंसिटी ऑफ कलर। तो आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, अगर आपको लिखना है कंपेयर इंटेंसिटी ऑफ कलर। ठीक है, कलर की इंटेंसिटी को नापने वाला इंस्ट्रूमेंट जो है वो होता है कलरोमीटर। ठीक है, इसके अगला है कैलोरीमीटर, CA। CO अलग है और CA बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा यंत्र जो ऊष्मा की मात्रा को मापता है, ऊष्मा यानी कि हीट। ठीक है, तो इंग्लिश में मेजर क्वांटिटी ऑफ हीट, हीट कितनी है, गर्मी कितनी है, उस चीज़ को, ऊष्मा को नापने का जो यंत्र है उसे बोलते हैं कैलोरीमीटर। ठीक है, तो ध्यान रखिए, एक है CO वाला है रंग के लिए। ठीक है, आप देख सकते हो ये कलर है, पूरा कलर की स्पेलिंग लिखी है CALOR, कलर की स्पेलिंग है। एक कलर की स्पेलिंग ये भी होती है, ठीक है, और एक कलर की स्पेलिंग दूसरी भी होती है जिसमें UR होता है, बट ये भी कलर की स्पेलिंग सही है।
ठीक है, तो ये और ये अलग है, एक में सी ओ है, जिसमें सी ओ है वो रंग के लिए, और जो सी ए है वो किसके लिए, ऊष्मा के लिए। अगला है कैरेटोमीटर, कैरेटोमीटर। अब देखिए, कई बार इसको के से भी लिखा होता है, ठीक है, तो दोनों सही है। अगर के से लिखा होगा तो भी सही है, सी से लिखा होगा तो भी सही है, बट आप अगर इसके वर्ड को देखोगे, कैरेट, कैरेट, और कैरेट में क्या नापा जाता है, गोल्ड, तो गोल्ड से रिलेटेड ही एक यंत्र है कैरेटोमीटर, कैरेटोमीटर। इसको क्या करता है ये यंत्र, स्वर्ण की शुद्धता को मापता है। क्या काम करता है, स्वर्ण की शुद्धता को मापता है, मेजर प्योरिटी ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड की शुद्धता को नापने वाला यंत्र कौन सा है, कैरेटोमीटर। ठीक है, कैरेट से आपको समझ आ जाएगा, जैसे आपको कलर से समझ आ जाएगा रंग, वैसे ही कैरेट से गोल्ड। अगला है क्रायोमीटर, क्रायोमीटर। तो क्रायोमीटर क्या यंत्र है, ऐसा यंत्र जो बहुत कम तापमान को मापता है। एक्चुअली जो क्रायोमीटर है वो एक थर्मामीटर का नाम है, क्रायोमीटर एक तरह का क्या होता है, थर्मोमीटर। तो ऐसा थर्मामीटर जो बहुत कम तापमान को मापता है उसे बोलते हैं क्रायोमीटर। और लास्ट है डायनमो, डायनमो आपने सुना भी होगा, ऐसा यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 5 इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसे लिखिए, याद कर लीजिए, और हमारे पास अब टोटल जो हमने इंस्ट्रूमेंट कर लिए हैं वो कितने हो गए हैं, 15। ठीक है, तो आप इनको लिख के याद कर लीजिए, बाकी पिछले भी जो हैं वो रिवाइज कर लीजिए। कल हम जो है अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्यों। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।